कि भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता और दोबारा अम्बेडकर फायदा इस देश में हो नहीं सकता। तो बुद्ध धर्म संघ के नाम पर भी होनी चाहिए, तब तुमको मैं मानूंगा कि तुम सही बाबा साहब के अम्बेडकर होनी है। और जिस दिन भिक्कू संघ एक हो जाएगा, इस देश को हिला देंगे, इस सरकार को गिरा देंगे, भारत का पता पता हटा देंगे। इतना सामर्थ्य बुद्ध के संगम है, पूजा पाठ करने का, घंटा हिलाने का। पूजा पाठ से कुछ नहीं हो रहा, 60 साल से पूजा पाठ से कुछ भी नहीं हुआ। अभी वक्त गया नहीं है। अपने जेबों में जितने भी नोट है वो दान करो, दान करने कर बचा नहीं, दान करने से जिंदगी मिल जाएगी, दान करने से तुमको आनंद मिल जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको दान दिया, जीवन दान दिया, शिक्षा का दान दिया, इंसान बनाने का दान दिया, तुमने क्या दिया? बाबा साहब के परिवार को जय जयकार करने के साथ क्या किया? कुछ दिया? हमको दिया, उनके मिशन को दिया। मैं कल आया बोध गया से, बच्चे सुमित्रा से चर्चा किया, सुभाषचंद्र राम जी से किया, भैया भीमराव अम्बेडकर जी से किया। माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी, प्यारे नरेंद्र मोदी जी, जिसे एक शिष्टमंडल मिलने का जाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि राम अयोध्या में राम लीला का मंदिर निर्माण किया, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा खत्म किया, शांति स्थापित की, इसलिए हम गुलदस्ता देने आए। और साथ ही साथ जो बौद्ध गया का मंदिर है माँ बोधि गया, वो बौद्धों को कब सोगे में, वो बौद्धों को कब देंगे? इधर एक भाई दलित जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सुभाषचंद्र जी मेरे नर्क से मुक्ति हुई है, मेरी आज नर्क से मुक्ति हुई है, जिस धर्म में मैं जी रहा था उस धर्म से मुक्ति हो गई, नर्क से छुटका हो गई है। क्या तुम हिंदू होकर मरना चाहते? मेरा सवाल है आपसे, हिंदू के मरना चाहते? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर करके 56 को दीक्षा लेके डॉक्टर बाबा साहब बोध होकर बने और तुम उनके अनुयायी जातियों में बचना चाहते है, जातियों में रहना चाहते है, तो मुझे लगता है उल्लू और पानी डूब कर मरना चाहिए, तुम जिंदगी नहीं जीना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होता, इस देश को कैसे बचाया जाएगा? नहीं सुनाता मतलब उनको मैं अपनी बात बताता, मैं कोई पत्रकार नहीं है, मैं कोई टीकाकार नहीं हूँ, बच्चे सुमित रखता और मैं विद्रोह करना चाहता हूँ देश में, विद्रोह और ऐसा ही जो करना चाहता हूँ। अभी नेताओं के नाम पर भीड़ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक लोगों के नाम पर भीड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब की बात बोल रहा हूँ, भीड़ होनी चाहिए तो बुद्ध धर्म संघ के नाम पर भी होनी चाहिए, तब तुमको मैं मानूंगा कि तुम सही बाबा साहब के अम्बेडकर होनी है, तुम सही बाबा साहब के दीवाने है। आज इस ग्राउंड पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को जो हमारे अनुज भाई सुमित रत्न ने जो अंजाम दिया है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। बोधगया में जल्दी भारतीय बोधवान संघ जितने भी हो, किसने क्या किया वो कोई बोलने की जरूरत है, अभी हमको एक रहना है। बाबा साहब ने हमको होश डालने का अधिकार दिया है, संविधान कैसे बचाओगे, क्या कारण है, कैसे तैयारी करोगे? लेकिन संविधान बचाने का एक ही तरीका है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको एक मतदान डालने के लिए दिया, अगर वो हो अच्छी जगह अच्छे प्रतिनिधित्व को देंगे तो संविधान भी बचेगा और इस देश को भी बचाएंगे। लेकिन आप नोट के वोट के लिए नोट और कुछ भाव के लिए बिकने वाले लोग, जयनीम का नारा गाने वाले लोग, तुम्हारे सामने समस्या खड़ी है। इस देश में शांति चाहिए, बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, तुम्हारे संविधान में मूलभूत अधिकार है। इधर सुप्रीम कोर्ट के थानों की है, आर्टिकल 25(2) की बात करो, हिंदू अलग सिख अलग हो गए, जैन अलग हो गए, पारसी अलग हो गए, वो तो कब होगी, वो तो की कब आई होगी, दो नाव पर चलने वालों
दो नाव पर चलने वालों संकल्प करो, आज भिक्खू संघ को संघ की छोड़ने की जरूरत है। और मुझे आशा है कि सुमित रथ का बनते ही पूरे भारत का भिक्खू संघ एक होना चाहिए, और जिस दिन भिक्खू संघ एक हो जाएगा इस देश को हिला देंगे, इस संकल्प को गिरा देंगे, भारत का पता पता हटा देंगे। इतना सामर्थ्य बुद्ध के संघ है। लेकिन आप बड़े होशियार है, चालाक है, भंते जी को गाइड लाइन करते हैं, कान में आके उनको लगता है कि मैंने खुद खुद दिया। मैं कर्मों की पूजा होती है, मुझे तुम जूते मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जूते भी मारोगे तो मेरे कर्म से मारोगे, अब फूल की माला भी डालोगे तो मेरे कर्म से डालोगे। कर्म बलवान है, बाबा साहब ने कर्म किया, वो जिंदा है। सुमित रत्न 3 महीने से कई लोगों ने फोन नहीं उठाया, लेकिन एक आदमी मिला अशोक सम्राट के गाय के रूप में, मुकेश जी सिद्धांत। इन्होंने जो योगदान दिया, कई लोगों ने योगदान दिया, अभी भी कुछ नहीं है। 1,000 रुपए ये पेंडल लगा है, पेट्रोल लगा है, काफी देर से कई राज्य से भिक्षु आए, उनको आने जाने का देना है, कई वक्ता लोग आए उनको प्लेट का देना है, पैसा आता कहाँ से आए? कई लोग करते, एक बोला भतीजी को गाड़ी काय के लिए चाहिए, ऊंचे ऊंचे मोबाइल काय के लिए चाहिए। अरे इतने भिखारी बन गए हो, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तुमको देने वाला सवाल बनाया, तुम मांगने वाले हो गए। भंते जी को सोने के, ये क्या बुद्ध को सोने की मोहरिया दान देकर जमीन दिया गया, कहा है हमारा इतिहास? अब भूल रहे, आज इस मंच पर भारतीय बुद्ध महासभा के और डॉक्टर बाबा साहब के नाती भीमराव अम्बेडकर आए, आप उनको भी सुनना है, जाना नहीं है, और दीक्षा लेने से कोई डरना नहीं है। 22 प्रतिज्ञा लेने हमारा अधिकार है, और धर्मांतर हमारी मानव अधिकार की लड़ाई है, हम किसी से कुछ नहीं करना चाहते। बाबा साहब का धर्मांतर ये मानव अधिकार की लड़ाई है, हम लेते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे, किसी के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे इस देश का राजा हो, हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपके साथ हूँ सुमित रत्न बनते जी। हो सकता है मीडिया वाले लोग थोड़ा सा उधर वो देखो जेब में पैसे हाथ डाल रहे, लेकिन कहेगा कि कैसे किसको दो, यहाँ पर एक नदी भिक्षा पात्र होता तो अभी भर जाता है ना। ये मीडिया वाले थोड़ा सा अलग करो, एक नदी दे दो भाई, एक आधा उसको भी रखो, और जिस दिन जिन तुमने लोगों ने पैसा नहीं दिया, दान नहीं दिया, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं जाऊंगा चैत्य भूमि पर समुद्र पर पाठी में भीमराव जी मालूम है, वहां से बाबा साहब को बोलूंगा कि इनके घर में जा कैसे डंडे मारो, इनके ऐसे डंडे मारो कि ताकि ये देने वाले बन जाए। बुद्ध गया का प्रश्न है, बुद्ध गया भी बुद्धों के हाथ में नहीं है, सारे धरावर हिंदू के हाथ में है। हम हिंदू बन के गए हैं, हम बुद्ध बन के जी कब जिएंगे? बुद्ध बन के जिएना है, बुद्ध बन के मरना है। और बाबा साहब का धर्मांतर अभी कुछ कानून बना रहे, धर्मांतर कानून लागू कर रहे, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में भी लागू होने वाला है, लेकिन हो हम भीमराव जी महाराष्ट्र में करने नहीं देंगे, क्योंकि अम्बेडकर वाली लोग तुम्हारे घर पर गोते मारने के जल्दी आ जाएंगे। आज फिर आदरणीय भिक्खू संघ को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आयोजन में तकलीफ होती है, जो दूर दूर से दराज से आए हैं, मेरे आदरणीय भिक्खू संघ हम एक बन कर रहे, हम एक बन कर जिए, एक साथ करें, एक दूसरे को कॉपरेट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के हेल्प करें, इसी आशा भावना के साथ किसी शायर ने कहा, एक चांद तुम्हें दाग नजर आता है, मगर हीम के मांगने वाले हो, हीम के चाहने वालों तुम्हें किसी प्रकार का दाग नजर नहीं आता, जी भर के प्यार लो, जी भर के प्यार दो। सुनाओ, गगन कहता चमन बदला, चमन कहता गगन बदला, लेकिन संसार की खामोशी कहते हैं लाशें वही है, केवल कपन बदला। अपने आप को बदलना पड़ेगा, विचारधारा से बदलना पड़ेगा, ये बहुजन विचार है, ये बहुजन क्रांति है, और ये बहुजन विचार घर घर पे जाना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा कि भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता, लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अम्बेडकर फायदा इस देश में हो नहीं सकता, इसी आशा भावना के साथ, इसी आशा भावना के साथ फिर पूरा आदरणीय सुमित भंते जी के इस नेतृत्व में, इस आयोजन में मैं तहे दिल से तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे महाराष्ट्र में जरूरत है, तुम्हारे गुजरात में जरूरत है, तुम्हारे
हर राज्य में जरूरत है और वक्त आया तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपकी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है, बराबर है। अरे मोदी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने सारी संन्यास लिया और हमारे पार्टी के लोग, अम्बेडकर राइट लोग, पार्टी वाले हमको आगे ढूंढने करते, हमारे पास कला है। पार्लियामेंट में जो बदमाशी करते उसको अच्छा भी बनाना था, उसको धर्म में परिवर्तन करना आएगा और मोदी को भी बौद्ध धर्म देना आएगा। इसलिए पार्लियामेंट में सुमित जैसे बंदे जी भेजने का प्रयास करो, भिक्षु संघ को भेजने का प्रयास करो। अभी वो दिन नहीं है पूजा पाठ करने का, घंटा हिलाने का। पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, 7 साल से पूजा पाठ से कुछ भी नहीं हुआ। अभी क्रांतिकारी भिक्षु जैसे, सुमित जैसे भिक्षु के हाथ बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। इसी आशा भावना के साथ आप सबको शुक्रिया अदा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने सुना।